Children, good morning. Of 7, A and B, both the sections. Children, today I am going to recite the poem Kasabianka. And you are supposed to recite the poem in the same manner. And you understand the boy's obedience and the feeling, and you understand how to be obedient. Now I proceed towards Kasabianka and I translate it in Hindi as well so that you can understand. The poem Kasabianka tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. The poem Kasabianka से हमें ये हकीकत का घटना, real incident, हकीकत का घटना जो है, जो हो चुका 1798 में, जब समुद्र में युद्ध हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो युद्ध हो रहा था. यंग कासाबियांका वॉज द सन ऑफ द एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वॉरशिप. और ये कासाबियांका जो है, आपको एक एडमिरल उसे कहते हैं, ए नेवल ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक. वो एक बहुत ही ऊंचा रैंक के ऑफिसर थे और उन्हीं के लड़के जो है यंग कासाबियांका था. ही रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर. और उस पानी जहाज में आग लग गया, लेकिन फिर भी अपना पोस्ट में अटल रहा, हिला नहीं. He had received orders from his father not to abandon his post till he was told. और उसके पिता ये बोले थे, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं, तुम यहाँ से हिलना नहीं. अब हम लोग बढ़ते हैं पोएम की तरफ. The boy stood on the burning deck whence all which he had fled. और वो बच्चा एकदम खड़ा है बर्निंग डेक के ऊपर, यानी कि पानी जहाज के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे डेक कहा जाता है. और उस डेक में चारों ओर से आग लगी हुई थी और तमाम लोग वहां से भाग चुके थे, कोई नहीं थे. द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रैक शोन राउंड हिम. और उस आग का गोला, आग का जो फ्लेम्स चारों ओर उसे घेर लिया था. देखिए यहां डब्ल्यू आर ई सी के रैक, रैक का मतलब ए संकन सी, संकन शिप यानी पानी जहाज जैसे डूब रहा हो. शोन राउंड हिम ओवर द डेड, और आग एकदम चारों ओर से लगा हुआ है. येट ब्यूटिफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, लेकिन फिर भी वो बच्चा एकदम अपना ड्यूटी में खड़ा है. यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बच्चा अपना ड्यूटी में खड़ा है और चारों ओर से आग लगी हुई है. एज वॉन्ट टू रूल द स्टॉर्म, a creature of heroic blood, a proud though child like form. यानी कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है स्टॉर्म से लड़ने के लिए, इस तूफान से लड़ने के लिए, इस आग के तूफान से लड़ने के लिए बड़ा हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है. ऐसा लग रहा है
जैसी नाक का खून उसके बदन में दौड़ रहा है। ये रॉयल ब्लड उसके बदन में एक नाक का खून दौड़ रहा है। ये प्राउड दो चाइल्ड लाइक और वो एकदम तन के खड़ा हुआ है। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड। और चारों से आग देखे किस तरह घेर लिया है लेकिन फिर भी वो हिल नहीं सकता विदाउट हिज फादर्स वर्ड जब तक उसके पिता उसे इजाजत नहीं देते हैं। द फादर फेंट इन डेथ बिलो हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। और बेचारा उसके पिता बेटा के याद में पुकार रहा है बेटे नीचे आ जाओ बेटे नीचे आ जाओ आग लग गया है बेटे नीचे आ जाओ। और बेटा डेक के ऊपर में है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और बेचारा बाप बेटा के गम में बेहोश हो गया और जो है आवाज उसकी पुकार उसकी चीख बेटा के लिए कि बेटा काशी में आकर नीचे आ जाओ आग लग गया है नीचे आ जाओ लेकिन वो आवाज ऊपर तक नहीं सुनाई दी। He called aloud, "Say, father, say, if yet my task is done." और ये बच्चा पूरा आग में घिरा हुआ है और ऊपर से बेटा पुकार रहा है कि पापा बोलिए पापा मुझे बुला लीजिए कि मेरा ड्यूटी अगर पूरा हो गया पापा मेरा अगर ड्यूटी पूरा हो गया मुझे बुला लीजिए पापा अगर मैं आपका जो ड्यूटी आप दिए हुए मैं इसे नहीं तोड़ूंगा पापा जब तक आप नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आ सकता कुछ बोलिए पापा क्या क्या मेरा ड्यूटी टास्क पूरा हो गया। He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. Chieftain, the leader of a group, यानी कि उस पानी जहाज का सबसे हेड ऑफिसर। और इस बच्चे को यह नहीं मालूम कि उसके पिता उसके याद में उसके गम में आवाज जो नहीं सुनाई दे रहा है इसके पिता को नहीं मालूम और पिता जो पुकार रहे हैं बेटे को नहीं मालूम और इसी गम में जो है वो बेहोश हो गए अनकॉन्शियस हो गए अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरे हुए। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड इफ आई मे येट बी गॉन। पापा पापा एक दफा बोलिए पापा एक दफा बोलिए अगर मेरा काम हो गया है पापा एक दफा बोलिए अगर मेरा काम हो गया है क्या क्या मैं आ जाऊं क्या मैं आ जाऊं। एंड बट द बूमिंग शॉट रिप्लाई एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन। ये जो बूमिंग मेकिंग ए लाउड साउंड कोई भी चीज में अगर आग लग जाता है तो उसमें आवाज निकलती है। लकड़ियां जब जलती है तो लकड़ियां जलने की एक आवाज होती है वही ब्लूमिंग है। और सिर्फ जो है ब्लूमिंग आवाज ब्लूमिंग साउंड आ रही थी सिर्फ आवाज आ रही थी। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन और आग का गोला बढ़ता जा रहा था। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर। और जहां भी आग के सामने खड़े होंगे तो सबसे पहले आपको जो है आग का गर्मी इस पेशानी में आपको महसूस होगा। उसी तरह उस बच्चे के आईब्रो ये आग का मुंह जो है इसको ब्रो कहा जाता है इसके ऊपर में उसको गर्मी महसूस हो रही है जैसे कि सांस का हवा गर्मी हवा आ रहा है। एंड हिज वेविंग हेयर और बाल जो है उस आग का गोला का तूफान में जो है बह रहा है। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डेस्पेयर। ये जो वो खड़ा है एकदम पोल के तरह देखें ये पोल के पास खड़ा है और जो है फिर भी पापा उसे बोले हैं कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम नहीं आना। और देखिए आग का गोला एकदम आग चारों ओर से घेर लिया है लेकिन फिर भी बच्चा हिल नहीं।
नहीं रहा है. एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, फिर दोबारा बच्चा और जोर से चिल्लाया, माई फादर मस्ट आई स्टे, पापा मुझे और भी क्या यहां रुकना है. वेल ओवर हिम फास्ट थ्रू सेल एंड शाउड द रेटिंग फायर्स मेक टू बी. यहां पर देखिए सेल एंड शाउड, सेल उसे कहते हैं ए शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विच द विंड ब्लोज अगेंस्ट टू मूव अ शिप. यानी कि पानी जहाज में आप देखिएगा ये जो कपड़ा देख रहे हैं जहां हवा उसमें पकड़ेगा और तब उसका डायरेक्शन में जो है पानी जहाज चलेगा, उसी को जो है आपको सेल कहा जाता है. एंड शॉल ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट ए डेड पर्सन्स बॉडी इज रैप्ड इन बिफोर बर्न. और श्राउड ये जो भाषा में श्राउड, श्राउड का मतलब कफन, जो सफेद कपड़ा से मरा हुआ इंसान को जो है ढाका जाता है. द रेटिंग फायर्स मेक अवे, रेटिंग मतलब सराउंडिंग, चारों ओर से जो है आग उस सेल का कपड़ा में जो है लग गया है और वो कपड़ा जलकर जो है टुकड़ा होकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कफन, और कफन की तरह जो है वो आग का गोला ऊपर के ओर जा रहा है. दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, और जो है चारों ओर से लपेट लिया आग. और ये जो भाषा देख रहे हैं स्प्लेंडर इंप्रेसिव ब्यूटी, यानी कि आग इतना जोर से लगा हुआ है और उसके अंदर में कितनी गर्मी होगी और फिर भी जो है वो बच्चा खड़ा हुआ है. दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, और उस पानी जहाज के ऊपर में जो झंडा था उसमें भी आग लग गया. एंड स्टीम देम ऑफ द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई. देखिए गैलेंट मतलब ब्रेव, और ये बैनर्स, बैनर्स मतलब फ्लैग, यानी कि तमाम झंडा में आग लग गया है, चारों ओर आग लग गया है, लेकिन फिर भी बच्चा हिल नहीं रहा है इसलिए कि पापा का इंतजार कर रहा है, जब पापा बोलेंगे तभी मैं इस जगह से हिलूं. और जो है देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड द बॉय ओ वेयर वाज ही. उसके बाद थंडर यानी कि एकदम आवाज, तमाम लकड़ियां जो जलती गई उसकी आवाज, और वो लड़का फिर भी खड़ा है. आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विद फ्रैगमेंट्स स्ट्रेवर द सी, यानी कि लकड़ियां जो जहाज के चारों ओर की लकड़ियां जलती गई और जो है आवाज के साथ जो है टूट गई, अलग अलग होती जा रही है. विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पैनॉन फियर, यहां पर जो है देखिए द वेल हैड बोर्न देयर पार्ट बट द नॉबलेस्ट थिंग विच पेरिश्ड देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट. ये जो भाषा आप देख रहे हैं मास्ट ए टॉल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल, यानी कि वो जो पानी जहाज का जो आपको सेल बंधा रहता है वो पोल में, उसके बारे में बोल रहा है कि वो भी जल गया और जल करके टूट के गिर गया. हेल्म हैंडल और व्हील टू स्टीयर द शिप, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं हेल्म, हेल्म मतलब गाड़ी चलाने का जो स्टीयरिंग होता है, उसी तरह शिप को भी चलाने का उसका स्टीयरिंग होता है, उस स्टीयरिंग के बारे में बोला जा रहा है. और पैनोन ये स्मॉल ट्रायंगुलर फ्लैग बॉर्न ऑन अ शिप, और वो और ये पैनोन का मतलब हो गया एक ट्रायंगुलर शेप का जो फ्लैग झंडा ऊपर में बांधी जाती है, सब जो है जल रहा है. बट द नॉबलेस्ट थिंग विच पेरिश्ड देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट. ये जो भाषा आप देखें पेरिश्ड मतलब बच्चा का सबसे जो नॉबलेस्ट थिंग क्या है, जो वह तन तन कर खड़ा है, खुद से जला जा रहा है और उसी में वो मर गया लेकिन हिला नहीं,
इसलिए नहीं हिला कि पापा जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं हिल सकते हैं। और इसी आग में बच्चा जो है सिर्फ पापा का वादा और इस आग के गोला में चारों ओर से बच्चा जल गया और मर गया। तो कितना अफसोस का बात, इसको जो है आपको देखना है ओबीडियंस, यानी कि किस तरह जो है ओबीडियंस के साथ जो है ये बच्चा अपना अटल रहा। और फेल्सिया हैमंस जो इसका पोएट है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो इसे जो है आप ओबीडियंस ऑफ कासाबियन का जो क्या है, इसलिए आप हमेशा ओबीडियंट रहेंगे। थैंक यू।